हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस गाइस, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, इसी पर मैं अपडेटेड रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर रखे हैं मैंने दो पाइल। पाइल में मैंने रखे स्टोन। पहला स्टोन है रेड कलर का, ये है पाइल नंबर 1। दूसरा है ग्रीन स्टोन, ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो आपके पर्सन की सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी भावनाएँ क्या है, उनकी मजबूरियाँ क्या है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको साफ साफ तौर पर बता दूंगी गाइज। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, दिल पर हाथ रखिए और फटाफट से सेलेक्ट कर लीजिए एक पाइल। ओके, ग्रीन या फिर रेड, आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है या अट्रैक्ट करता है वही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करूँगी 1 की रीडिंग से। इसे हटा देते हैं यहाँ से। ये है पाइल नंबर 1। आई होप आप सब अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो गाइस। घर पर हो, सुरक्षित हो, घर पर ही रहिए गाइस जब तक कोरोना कम नहीं होता है। ठीक है, बाहर मत निकलिए। चलिए, मैंने कर लिया कार्ड्स की सफरी, निकालते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं। पहला कार्ड आया है 7 of Pentacles। ओ माय गॉड, विल ऑफ फॉर्च्यून। मज़ा आ गया गाइस। देखिए आपकी एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार वाली एनर्जी। द मून, 3 of Pentacles, ओके। सेवन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, हमें मिला है 8 of Wands। नीचे के तीनों कार्ड फायर साइन। Six of Cups, wow, Six of Pentacles, 6-6 दो आए हैं। बॉटम में हमें मिला है 5 of Swords का कार्ड। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अच्छा बुरा कैसे ख्यालात आ रहे हैं उनके दिल और दिमाग में, आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, ये तमाम बातें बताऊंगी। और साथ में रीडिंग के लास्ट में मैं कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी उनके तरफ से। ओके, तो रीडिंग को लास्ट तक देखिए गाइस, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट बताते हैं। यहाँ पर पाइसेस स्ट्रांग है इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में पाइसेस स्ट्रांग है। इसके अलावा फायर साइन सबसे ज़्यादा है, लियो सैजिटेरियस या धनु और मेष राशि। उसके बाद अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर राशि। और उसके बाद कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। और बहुत कम लोगों के लिए एयर साइन नजर आई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि। ओके, तो वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले बता दूं गाइस, ये इंसान कुछ डरे हुए नजर आते हैं मुझे जब मैं इनके कार्ड्स को देखती हूँ, है ना। एक डर की भावना, एक खौफ, ये चीज़ें मुझे इनकी एनर्जीज में आज नज़र आ रही है। ओके, डर की भावना कैसी है ये भी मैं बता दूँ, किन से डर रहे हैं, किस चीज़ से डर लग रहा है आपके पर्सन को। तो सबसे पहले बता दूँ गाइस कि डेफिनेटली रिलेशनशिप जो है आप दोनों का भी रुक गया है ना। यहाँ पर जो 7 of Pentacles आया है, ये किसी भी चीज़ के रुक जाने का एनर्जी होता है कि ग्रोथ रुक गई, रिलेशनशिप रुक गया, प्यार रुक गया, मिलना जुलना रुक गया, कैरियर रुक गया, कोई भी चीज़ जो रुक जाती है उसका कार्ड होता है 7 of Pentacles। और आपके पर्सन जो है यहाँ पर इसी ग्रोथ के रुक जाने का, जो यहाँ पर रुका हुआ चीज़ है ना, उसी का इंतज़ार कर रहे कि ये आगे कब बढ़ेगी।
है ना, आपको बेसब्री से एक इंसान इंतजार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है ना। ये कार्ड को देखकर मैं बता सकती हूँ कि अभी आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर रिश्ता कहीं ना कहीं थम गया है, कहीं ना कहीं रुक गया है ना। तो ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने का इंतजार करते हुए बेसब्री से मुझे नजर आ रहे हैं, ये है पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी तो बहुत बुरी तरीके से स्ट्रांग है, आपको नज़र आता होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आया है, थ्री ऑफ पैंटिकल्स भी यहाँ पर आया है। ये दोनों ही चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही वजह रही है जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर रुका है। एक महिला है जो बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जिनका मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रही थी ना कि कुछ डर रहे हैं आपके पर्सन, कुछ डर की भावना मुझे नज़र आती है। तो वो डर की भावना दो चीज़ों की वजह से है। पहला, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स जो एक मदर को दिखाती है, सिस्टर को दिखाती है, यानी कि एक महिला से थोड़ा डरे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। ताकि इसी वजह से ये इंसान, हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई है और ये इन्होंने उनकी बात मान ली, थर्ड पार्टी में आपके पर्सन चले गए आपके साथ रिलेशनशिप को स्टॉप करके, ठीक है। और इसी वजह से जो है दूसरा डर जो है इनको आपको कमिटमेंट देने का जो बात आया था, है ना, कि आपको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, आपके साथ शादी करनी है, परिवार बसाना है, जो भी कमिटमेंट आपने जो भी इनसे मांगा था, चाहे वो दोस्ती का मांगा था, चाहे प्यार का मांगा था, चाहे रिश्ते का मांगा था, तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। तो ये डर इनके मन में मुझे नजर आता है दो चीजों का, एक आपको कमिटमेंट देने का डर, दूसरा जो है यहाँ पर जो मदर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। तो इन दो चीजों का खौफ कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में यहाँ पर है, जिसके वजह से ही ये रिलेशनशिप स्टॉप हुआ है, रुका है, ऐसा नजर आता है। और फाइनली आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और ये थर्ड पार्टी में चले गए, है ना। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी नज़र आती है कि दोस्ती के जरिए प्यार हुआ, पहले दोस्ती दोस्ती हुई, दोस्त म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए मुलाकात हुई, साथ में पढ़ाई की हो आपने, साथ में जॉब किया हो, या फिर एक ही शहर में रहते हो, आसपास रहते हो। तो ऐसा कुछ एनर्जी भी कुछ लोगों का नज़र आता है कि डायरेक्ट आकर प्यार का इजहार नहीं किया गया, पहले दोस्ती से शुरुआत हुई है, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। तो फिलहाल अभी ये क्या सोच रहे, देखिए गाइस, डर तो डेफिनेटली है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं, कि परिवार दुखी हो जाएगा अगर आपके साथ, आपको कमिटमेंट दे दिया, आपसे शादी कर ली, माँ नाराज़ हो जाएगी, सिस्टर्स नाराज़ हो जाएगी, कास्ट का प्रॉब्लम, रिलीजन का प्रॉब्लम, ऐसा भी कुछ नज़र आता है। पर ये इंसान बावजूद इन समस्याओं के बाद भी ना, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आपको इन्होंने प्यार ही किया है, समझ गए, यानी कि आपने इन्हें जो प्यार दिया है उस प्यार को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे आज की डेट में, है ना। क्योंकि ये जिन लोगों के बीच में घिरे हुए हैं उनसे इन्हें वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो आप इन्हें देते थे जब आप रिलेशनशिप में थे, है ना। आपको प्यार के नाम से बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि इस इंसान ने मुझे इतना प्यार किया था, सब कुछ लुटाया था मेरे ऊपर, किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी। तो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कप्स का ही कार्ड यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल कर आई है। इन्हें आपके यू नो दूसरी चीज़ों से उतना मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार को बहुत ज़्यादा ये इंसान याद कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन वाली जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान ये दीजिए कि ये इंसान प्यार आपसे करते हैं, पर अगर मजबूरी पर अगर दूर हुए हैं तो उनके पीछे की दो मजबूरी मैंने बता दी, एक है थर्ड पार्टी, दूसरा है आपको कमिटमेंट ना दे पाना, है ना। तो आप ये क्या सोच रहे, देखिए देखिए गाइस, बॉटम में इनकी जो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है वो बताती है कि ये इस इंसान में ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गुस्सेल इंसान है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, कंपटीशन करना, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड होना, ऐसा भी नज़र आता है इनके कैरेक्टर में, ओके। शायद ये चीज़ें आपके साथ जब थे तब भी होती थी, लड़ाई झगड़े आप दोनों में, नोक झोंक, यू नो गलत फहमियाँ होती ही रहती थी, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे सुपीरियर मानते थे, है ना, कि इनकी बातें ही सब सही। तो आपको हमने हमेशा डोमिनेट ही किया होगा आपके पर्सन ने, ऐसा लगता है इनके एनर्जीज पर। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल पासा जो है पलटा है, खेल जो है उलट चुका है, यानी कि यहाँ पर जो ये लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, वो इनका आपके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रहा है। यानी कि जहाँ पर ये रहते हैं, अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यानी कि जो अगर इनका एक्स्ट्रा कहीं पर अफेयर है तो वहाँ पर इनके उस पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में डिस्कशंस हो रहे हैं, अगर फैमिली में रहते, फैमिली की बातें सुनकर आपको छोड़ा है, तो फ्रेंड्स के साथ भी अनबन होती है, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यानी कि इस इंसान की दिन जो है अच्छे नहीं चल रहे। इनका ज़्यादातर समय जो है डिस्कशंस लड़ाई झगड़े में, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और गुस्से की वजह आप जानते हो क्या है, गुस्से की वजह है आप दोनों का रिश्ता टूट जाना, और किसी और के वजह से टूट जाना, ओके, ना चाहते हुए भी ये इंसान आपसे दूर हुए हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या सोच रहे हैं,
अभी प्रेजेंट एनर्जी में जो मुझे नज़र आया है कि आपका रिलेशनशिप तो रुका है, साथ में ही ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप कॉल भी करते हो तो आपके कॉल को नहीं उठाते, आपको गुस्सा करते हैं, है ना, आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। तो यही सब ड्रामा चल रहा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। वो इसलिए हो रहा है कि ये कमिटमेंट से थोड़ा घबरा रहे हैं, अभी भी ऐसा ही चल रहा है, घबराते हुए मुझे थोड़े से नज़र आए हैं, क्योंकि यहाँ पर माते बहुत स्ट्रांग पोजिशन में आकर बैठी है आपके रीडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या ये सोच रहे हैं, देखिए ये डेफिनेटली यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने आपको किए हैं, ये ब्लॉकेजेस हटाने के बारे में सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है, यानी कि हमें मिला है ब्लॉक्ड होकर अनब्लॉक होने का कार्ड, है ना, यानी कि कम्युनिकेशन ऑन द वे है। ये आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे, आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साथ बातचीत करेंगे, बातचीत शुरुआत करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, आपको कॉल कर सकते हैं, किसी दोस्त के जरिए आपको संदेश भेज सकते हैं, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कम्युनिकेशन देने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, 8 ऑफ वैंड, जहाँ ये ब्लॉकेजेस को दिखाता है तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस खुलने को भी दिखाता है, यानी कि आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं आपके पर्सन के साथ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए, 3 ऑफ पैंटिकल्स, यानी कि थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, इनकी सोच बता रही हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, दूरी आई है। तो थर्ड पार्टी का घर ये छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये पार्टनरशिप ब्रेक करना चाहते हैं, है ना, थर्ड पार्टी को यू नो कोई ना कोई आइडिया लगाकर, कोई ना कोई बहानेबाजी करके ये इंसान जो है थर्ड पार्टी से अब रिश्ता तोड़ने के बारे में, पार्टनरशिप ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इस इंसान को कहीं ना वक्त का बहुत बड़ा इंतज़ार है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जैसे ही वक्त बदलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप में ना एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा था, है ना, मिलने का, बिछड़ने का, फिर आकर अब जो है आपको मिलना है। तो यहाँ पर एक चक्र का खेल, टाइम का खेल मुझे नज़र आ रहा है, और इसी टाइम ने जो है आप दोनों को जुदा किया है, और यही टाइम जो है आप में से कई लोगों को इस रीडिंग के बाद मिलवाएगा भी, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हमें मिल चुका है, जो दिखाता है कि कुछ लोगों की किस्मत आज की रीडिंग में बदल रही है, और आपको आपके पर्सन जो है कम्युनिकेट आपको करेंगे, कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। देखिए इन्होंने रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं दिया, ये तो इस कार्ड को देखकर ही पता चल गया कि आपको कमिटमेंट नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, हमेशा इग्नोर किया है आपके पर्सन ने, बहुत दर्द दिया है, हमेशा ये वो बहाने लगाए हैं कि ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, है ना, हमारा जर्नी, हमारा सफ़र बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके के बहानेबाजी करके ना आपको कभी कुछ नहीं मिला है इस रिश्ते में। तो अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, जो कि देने का कार्ड होता है, जो है 6 ऑफ पैंटिकल्स, यानी कि जो रिश्ता आज तक बराबरी का नहीं था, यानी कि आपका और इनका रिश्ता कभी बराबरी का नहीं रहा, आप हमेशा प्यार लुटाते गए, प्यार देते गए, सब कुछ सहते रहे, इनका गाली गलौज आपने सहा है, इनका रूखा बिहेवियर आपने सहा है, हर चीज़ आप सहते गए प्यार के नाम पर, है ना, पर इस इंसान ने शायद आपकी भावनाएं नहीं समझी। पर अब ये जो है बराबरी का रिश्ता यहाँ पर निभाने के बारे में सोच रहे, यानी कि जितना आपसे इन्हें मिला है, जितना आपने इन्हें दिया है, वो सब कुछ आपको ये इंसान देना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है कि कमिटमेंट आपको दे, हो सकता है कि शादी का प्रपोजल आपको दे, हो सकता है कि रिलेशनशिप का प्रपोजल दे, और कुछ लोगों को यहाँ पर दोस्ती का प्रपोजल भी मिल सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये प्यार तो आपसे करते हैं, है ना, पर समस्या इतनी है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि दोस्ती का ऑफर भी ये दे दे। पर ध्यान ये दीजिए कि मन में इनके आपके लिए प्यार ही है, इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा होगा, कुछ समझ नहीं रहा होगा, तो क्या कहे क्या कहे, तो ऐसी ऐसी जो है ब्ला ब्ला भी कर सकते हैं, जिनका कोई बेस नहीं है कि हम तुम दोस्त रह सकते हैं। कभी ये हर बच्चे को भी पता होता है कि जब प्यार कोई इंसान दोनों कर लेता है तो बाद में वो रिश्ता कभी दोस्ती का नहीं हो सकता, दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है, पर प्यार के बाद दोस्ती वाला रिलेशनशिप होना बहुत ना के बराबर है, होता भी है तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है गाइस, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी आपको बता सकते हैं, पर इनके मन में यही है कि आपको बराबरी का हर चीज़ देना है। अगर ऐसी बात कोई करता है आपको कम्युनिकेट करके, तो सोचिए कि इस इंसान की मजबूरी अभी भी ज्यों की त्यों है, ये निकल नहीं पाए हैं, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वक्त के साथ ही इस इंसान की भावना तो प्यार वाली ही है, बस जवाब पर इनकी ये दोस्ती का नाटक होगा, ड्रामा होगा। तो वक्त के साथ ही वो समय आएगा जब ये इंसान आपको बता देंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो प्यार डेफिनेटली है यहाँ पर, है ना, थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर आज का जो सबसे खूबसूरत जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो बता रहा है कि डेफिनेटली आप में से कई लोगों को, अब मैं ये नहीं आपको इस रीडिंग में कहूँगी कि वो आपको कम्युनिकेट करके क्या बताएंगे, है ना, ये आपको क्या बताएंगे,
क्योंकि शादी का यहाँ पर कोई कार्ड निकल कर आया नहीं कि मैं आपको बता दूँ कि आपसे घर परिवार बसाने की बात कहेंगे या शादी की बातें कहेंगे, है ना। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन नज़र आया है ना, और कम्युनिकेशन के साथ ये इनकी इच्छा मुझे नज़र आई है कि ये आपको हर चीज़ वो देना चाहते हैं जो आप इनसे चाहते हो, है ना। पर प्रॉब्लम्स भी है साथ में, है ना। तो हो सकता है कि अपनी बातचीत को कहीं और किसी और डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करें, है ना। पर सच्चाई ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं, कल भी करते थे और आज भी करते हैं। और बहुत से लोगों का जिनको आपके पोस्ट ने ब्लॉक कर रखा है, आप दोनों का जुदाई का स्टेज चल रहा है, तो ध्यान दीजिए। आज हमें व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है जो दिखाता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर डेफिनेटली चक्र खत्म हो रहा है आज की रीडिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं मैसेज में क्या भेजते हैं ये। चलिए यहाँ पर कुछ निकाले हैं मैंने। पहला है थैंक यू फॉर योर लव केयर एंड सपोर्ट। तो मैंने कहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार को ही याद कर रहे हैं। इन्हें कोई फिजिकल अट्रैक्शन जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। आपने इन्हें जो प्यार किया है, केयर किया है ना, सपोर्ट किया है, इनके दुख वाले दिनों में आपने इनका साथ दिया है, तो उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं और आपको थैंक्स भी बोल रहे हैं। कितना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा थैंक्स ये आपके पोज आपको कह रहे हैं। यू आर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ये कह रहे हैं कि आप बहुत हिम्मत वाले हो और बहुत खूबसूरत हो, है ना। रोना मत, तो ये एक संदेश उन लोगों के लिए है जो बहुत रोते हैं अपने पोषण के लिए, दिन रात रोते रहते हैं, है ना, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये आपको हिदायत दे रहे हैं कि रोना नहीं है। ओके, रोना मत, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। देखिए, ये मैंने कहा ही है कि ये प्यार करते हैं पर कमिटमेंट से थोड़ा डरे हुए हैं, थर्ड पार्टी से थोड़ा डर लगता है इनको, तभी इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपसे दूर हुए हैं। तो इन्होंने अपनी सीक्रेट फीलिंग बता दी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। अब लास्ट मैसेज देखते हैं गाइस क्या है। क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? तो ये एक आशिक की डर की भावना है ना, जो दूर तो हो गए है ना अपनी परेशानियों की वजह से, पर दूर बैठकर इनके मन में शायद यही ख्याल आते हैं कि क्या आपको कहीं कोई और तो नहीं पसंद आ गया, है ना। तो डर है इस इंसान को, ये एक तीसरा डर है। पहला डर कमिटमेंट ना दे पाने का, दूसरा थर्ड पार्टी का, और तीसरा जो है कि कहीं आप कहीं और ना निकल लो, है ना, इस बात का भी डर इन्हें सता रहा है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। और एक बात और मैं बता दूँ, बॉटम में इनका ये बात मैं अब बता रही हूँ, बॉटम में इनका फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप जानते हो बॉटम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन मिला है ना। तो और ये जो है बचकानी बातें भी कर सकते हैं कि दोस्ती करते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है कि गुस्सा भी आ जाए, है ना, तो गुस्से में आप दोनों का झगड़ा भी हो जाए कि कैसे तुमने ऐसा कह दिया, है ना। तो थोड़ा सा एनर्जी ये है, थोड़ा सा डेंजर एनर्जी निकल कर आया है, लड़ाई झगड़े वाला। तो ध्यान दीजिए कि फिर से आप दोनों में तू तू मैं ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा बच के रहना है गाइस, समझ गए। तो गाइस यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आया तो क्या करना है गाइस, वीडियो पर शेयर मारो, शेयर कर दो एक एक। ओके, आप लोग एक एक भी शेयर करोगे तो हमारा चैनल थोड़ा और ग्रो हो जाएगा, लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचेगी, है ना। तो इतना कहते हो गाइस, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया है ना, चले देखते हैं आपके पोषण क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल को और दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको बताते हैं क्या सोच रहे हैं। भीगी भीगी रातों में सातों में आपके पोषण क्या सोच रहे हैं इस वक्त। परिवार की बातें बहुत सुनते हैं क्या आपके पोषण गाइस? ममाज बॉय है क्या? Thank you.
चलिए मैंने कर लिया कार्ड्स की शफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। वाव, आपके पोषण कह रहे हैं आपसे, सपना समझ के भूल न जाना, साथ निभाना मेरे यार, सातो जन्म मैं तेरे तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। तो इंतजार और सपना दोनों आया है इस कार्ड में, तभी मैंने आपको ये गाना सुना दिया। समझ गए कि सपना समझ के भूल ना जाना, बिल्कुल देखिए ये कार्ड भी बिल्कुल इसी गाने से मैच हुआ है। सातों जन्म मैं तेरे तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। समझ गए गाइस, इसीलिए मैं गाना कभी कभी गाती हूँ ना, तो बिल्कुल कार्ड ऐसे ही निकलते हैं। समझ रहे हो ना? पुनर्जन्म का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला है। फिर से वही दूरी सही जाए ना। बहुत खूबसूरत दो दो जो है मेजर अरकाना से हमें कार्ड मिले हैं, स्ट्रेंथ और डेथ का कार्ड। नाइन ऑफ वैंड्स, फायर साइन सबसे ज्यादा आया है आज के रीडिंग में। लियो और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन है, दो कार्ड साथ उल्टे हैं। स्टार आया है, सेवन ऑफ वैंड्स आया है, टावर, ओहो टावर, ओ माय गॉड, डेविल। बॉटम में जाकर हमें मिला है एक्शन, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि कार्मिक साइकिल चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं गाइस, एक दो तीन चार, चार कार्ड्स तो मेजर अरकाना से ही हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर एक्वेरियस स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायर साइन नजर आई है, लियो सैजिटेरियस, सिंह धनु मेष राशि, कुछ लोगों के लिए वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, कुछ लोगों के लिए एक एक कार्ड आया है, वाटर साइन और अर्थ साइन का एक एक कार्ड आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। इस रीडिंग में एयर साइन मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आई है। तो आपके जो पर्सन है, आपके जो डेविल, डेविल का कार्ड आता है तो मैं बता दूं, डेविल ही कह के बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दर्द मिला है इस रिलेशनशिप में आपको, है ना। तो आपके जो डेविल है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। हाँ तो गाइज देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, आप मानते हो इस बात को, है ना, क्योंकि देखिए डेविल आया है, कार्मिक रिलेशनशिप को दिखाता है, टावर भी आया है साथ में, ऊपर से डेथ का कार्ड आ गया है। अब ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि आप जिसे प्यार करते हो उनके साथ आपका कर्मों का चक्कर चल रहा है, कर्मों का फल चल रहा है, पिछले जन्म का कोई नाता रिश्ता चल रहा है, आपकी गलतियों की सजा आपको यहाँ पर मिल रही है इस जन्म में, जिसका पता आपको भी नहीं है ना, कि मैंने पहले जो किया था उसका मुझे अब क्या पता, मुझे अब सजा क्यों नहीं मिल रही। पर ये दुनिया गोल है गाइस, घूम फिर कर हर चीज़ को आना ही होता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सुना होगा ना आपने, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो जाता है वो वैसे ही वापस घूम फिर कर आता है। तो हम भी इसी दुनिया के, इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जो हम बोकर आए थे पिछले अपने जन्मों में वही तो यहाँ पर आकर काटना है आपको, है ना। तो यानी कि आपका कार्मिक साइकिल, आपके पार्टनर आपका यहाँ पर कार्मिक साइकिल में है, यानी कि कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। तो बहुत दर्द मिले हैं इनकी तरफ से आपको, धोखा मिला है, चीटिंग हुई है आपको, यानी कि तमाम जितनी भी तकलीफ एक रिश्ते में नहीं मिलनी चाहिए थी प्यार के रिलेशनशिप में, वो तमाम आपको यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का पिछले जन्म का कुछ टांगा भिड़ा हुआ है, पिछले जन्म का कुछ यहाँ पर हिसाब किताब बाकी है, ठीक है। तो टावर मूवमेंट भी आकर चला गया आपके ज़िंदगी में, ऐसा नज़र आता है, रिलेशनशिप टूटा है, बिखरा है ना, भरोसा टूटा है, बिखरा है, आपके पोषण और आप अभी जुदा हो गए हो, ये सब तमाम चीज़ें भूचाल आकर चली गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। तो बहुत दर्द मिला है, तकलीफ़ें मिली हैं, आंसुएं मिले हैं, और इसके बाद जो है जुदाई जुदाई जुदाई, बस जुदाई ही जुदाई मुझे यहाँ पर नज़र आती है। टू ऑफ वैंड्स को देख लो, उधर थ्री ऑफ वैंड्स को देख लो, है ना, नज़र आता है कि जुदा हो गए हो आप लोग, है ना, और आपके कार्मिक पार्टनर अभी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तो इस रीडिंग को देखकर आज मैं एक
हमारा आज का सवाल तो है कि ये क्या सोच रहे हैं, पर मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ें बतानी है आपको, तो वो बताए बिना मैं आपको रीडिंग नहीं दे सकती, ठीक है? सुनिए, इस रीडिंग में, आज की इस रीडिंग में डब्ल्यू के साथ डेथ का कार्ड आया है, ठीक है गाइस? तो ये दोनों कार्ड आपको ध्यान से देखने हैं, जो एक इशारा है कि आप में से कई लोगों का कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है, यानी कि जो भी आपका दर्द का जो स्टेज चल रहा है, जुदाई का जो फेज चल रहा है, वो अब एंड होने का बारी आ गया है। जी हाँ, ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, अब जो है ये दुख वाले दिन ये भी ख़त्म हो रहे हैं, और एक जो है नया जन्म आप दोनों का इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ होता हुआ एक संकेत मुझे आज के रीडिंग में मिला है, डेथ और डेविल को देख कर। यहाँ पर अगर डेथ के अलावा यहाँ पर अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आता तो भी मैं शायद यही बात कहती, पर व्हील ऑफ फॉर्चून से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेथ का कार्ड आया है, जो मेजर अरकाना से है, समझ गए? मेजर अरकाना से होता है डेथ का कार्ड, और डेविल भी जो है वो भी मेजर अरकाना से होता है। तो ये दोनों कार्ड को अगर हम मैच करते हैं तो नया एक जर्नी, नया ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, नया जीवन, नया रिश्ता, इन्हीं सब का मतलब होता है। तो कई लोगों का आज के रीडिंग में कार्मिक जो दर्द का सफ़र है अपने पार्टनर के साथ, वो ख़त्म होकर एक नया जर्नी स्टार्ट होता हुआ नज़र आया है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैं, मुझे आपको लगा कि बताना ज़रूरी है, तो मैंने बता दिया, ठीक है? अब देखिए ये क्या सोच रहे हैं। आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, टू ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है ना, कंट्री अलग, शहर अलग, इमोशनल डिटैचमेंट, दूर हो जाना, भावनात्मक तरीके से दूर हो जाना, है ना, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि बहुत दूरी आ गई है इस टावर मोमेंट के आने के बाद, और आपके डेविल ने आपको बहुत सताया है, बहुत दर्द दिया है ना। तो दूरी यहाँ भी है, दूरी यहाँ पर भी है, पर इस दूरी में क्या है, कुछ सपने हैं आपके पर्सन के जो इन्होंने आपके साथ देखे थे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, है ना। चाहे इन्होंने आपको सताया, क्योंकि इनका काम ही है सताना, क्योंकि इन्हें तो ऑर्डर देकर भेजा गया है कि ये आपके जीवन में आए और आपको तकलीफें दे, आपको सताए, क्योंकि आपको तो कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तो ये तो इनकी गलती है नहीं, आपको तो कार्मिक पार्टनर मिला है ना, तो ये इनकी गलती हो ही नहीं सकती, ये ऊपर वाले की गलती है ना। अब इसे हम गलती कैसे कहें, ऊपर वाला तो हमेशा बराबर का लाठी मारता है, तो आपने जो किया है उसको, उसे तो चुकाना पड़ेगा। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि आपके पोषण बिल्कुल यहाँ पर, जो सपने इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में देखे थे, चाहे झगड़े करते हुए देखे, लड़ाइयाँ करते हुए देखे, है ना, पर ये इंसान देखे बहुत सपने देखने वाले इंसान है, ऐसा लगता है इनके ड्रीम्स बहुत हाई है ना, और जो सपने देखते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक इंतजार इंसान कर सकते हैं, समझ गए? और डेविल वाले तो ऐसे भी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, हठी स्वभाव के होते हैं, कि जो पाना है तो पाना है, इंतज़ार करना है तो करना है ना, इसे अपनी ज़िंदगी में लाना है तो लाना है। तो आपके पोर्शन भी कुछ ऐसे ही हठी स्वभाव के जिद्दी इंसान मुझे नज़र आते हैं, जो यहाँ पर खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं, और सभी उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ देखे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, समझ गए? फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक तरीके की एडिक्शन है आपकी, एक तरीके की लत है ना, पर टावर लाकर इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है ना, और अब जो है ये इंसान दूर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली सुधरेगा गाइस, ठीक है? एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये डेविल है, ये डेविल इंसान जो है अब बहुत बड़े मेजर चेंजेस में जा रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव इनमें आता हुआ मुझे नज़र आया है, क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा मेजर बदलाव को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, कि एक डेविल जो है एक अच्छा इंसान अब बनने जा रहा है, और ये इंसान आपका बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आज आप इनके पास नहीं हो तो देखिए ये इंसान ना हर तरीके से, हर तरफ यानी कहीं पर भी इस इंसान को अच्छा नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, फेलियर हो रहे, फेल होते जा रहे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कैरियर में हो, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में है, पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेलेपन का बहुत कार्ड आया है, आपके पर्सन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं गाइस, आपके बिना, समझ रहे हो? देख लीजिए, अकेले यहाँ है, अकेले यहाँ है, अकेले यहाँ पर है ना, तो अकेलापन ज़्यादा नज़र आता है इस इंसान की सोच में मुझे, कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, जिससे एक रिश्ता नहीं संभला गया, जिससे कुछ नहीं संभला गया, बहुत सारे लोग हैं आसपास पर फिर भी मैं अकेला हूँ। तो ये सोच इसलिए आ रही है इनके मन में, क्योंकि यहाँ पर इन्हें होना पड़ रहा है अब
ट्रांसफॉर्मेशन बदल रहे हैं, आपके पर्सन की सोच बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर इनका कार्मिक जो है जितना भी इनको इन्हें इन्हें जो है आपको दर्द देना था वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। इसी वजह से ये इंसान अब अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ इंसान मान रहे हैं, समझ गए। देखिए ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली इन्होंने किया है, आपको बहुत दर्द दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपके कॉल्स मैसेज को, इग्नोर करना, आपसे दूर भागने की कोशिश करना, आपको गाली गलौज करना, गुस्सा दिखा देना, आप अगर इन तक पहुँचने की भी कोशिश करते हो तो उल्टा आपको ही गाली पड़ जाती होगी, है ना। तो ब्लॉकेजेस तो बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, पर ये क्षणिक है, आपको ये ध्यान देना है कि ये क्षणिक है। और मैं आप सभी को ये हिदायत देती हूँ कि कभी भी अपने आप कॉल मैसेजेस मत किया करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, ब्रेकअप इनकी तरफ से हुआ है ना, और इन्होंने ही आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो खुद मत झुको ज़्यादा। मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में ये भी कहा है कि झुको उतना जितना कमर में दर्द ना हो, कहती रहती हूँ मैं ये अपनी रीडिंग्स में, है ना। तो कमर में दर्द हो जाए इतना ज़्यादा मत झुको गाइस, ठीक है। तो खुद कॉल मैसेज मत करो, इस इंसान को आप तक पहुँचने दो, समझ रहे। इंतज़ार तो ये करेंगे ही कि आप ही इन्हें कॉन्टैक्ट करो, आप ही इन्हें जो है हर चीज़ करो, पर आपको नहीं करना है, कुछ वक्त देना है। अगर गलती आपकी नहीं है तो ठीक है, अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो आपको भी आगे बढ़कर माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या सोच रहे हैं गाइस, डेफिनेटली बदलने के बारे में सोच रहे हैं, आपका इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं, आपके साथ किए गए गलतियों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यानी कि टावर मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि मेरे ही करतूतों की वजह से, मेरी ही गलतियों की वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता तबाह हो गया, मेरा ही ज़िद था, मेरा ही ईगो था, आज मैं अकेला हो गया हूँ अपनी ही गलतियों की वजह से। तो इन सब चीज़ों को ये सोच रहे हैं, और यहाँ पर ये इंसान सुधरने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए स्टार का कार्ड मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, स्टार का कार्ड जो होता है बुरी चीज़ों को यू नो ऊपर जीत पाने का कार्ड होता है, कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे अब जो है सिचुएशन नहीं संभाली जा रही, आप मदद कर दो। तो हम हर एक इंसान की कोई ना कोई विश होती है ना, और इस इंसान की भी कई सारी विशेज है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं, इस दूरी को मिटाना चाहते हैं, पर ये इंसान ऐसे नहीं आएंगे, ये इंसान बदल कर आएंगे। सबसे खुशी वाली बात ये है कि इसमें मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इस इंसान के बिहेवियर में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ओके। तो ये इंसान आपके और इनके दूरी को मिटाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन्नतें दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने आप को भी बदल रहे हैं, समझ गए आप लोग। अब देखिए आप में से कई लोगों के पर्सन यहाँ पर वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस मिला है हमें, यानी कि सोच में सीमित है, है ना, सोच में सीमित है कि मुझे जाना है, इस दूरी को मिटानी है, जो भी मैंने रिलेशनशिप में बर्बादी मचाई है उसे ठीक करना है ना। तो वापस आने के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो हमें यहाँ पर प्रॉपर एक्शन ही मिला है जो बॉटम ऑफ द डेक में मिला है ना, यानी कि नाइट ऑफ कप्स का एक्शन, यानी कि ये इंसान बदल कर, ध्यान से नोट कीजिए इस बात को, ऐसे नहीं आएंगे। एक डेविल के आगे ना प्यार पहला प्रायोरिटी नहीं होता है। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो फिजिकल शारीरिक जो एक भूख होती है, शारीरिक एक जो आकर्षण होता है वो पहला होता है, पर यहाँ पर बॉटम में क्या निकल कर आया है, नाइट ऑफ कप्स, यानी कि प्यार ही लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक राक्षस बदल रहा है, इसके सीने में जो पहले आपके लिए जो एक नफरत हुआ करती थी, आपको इस्तेमाल करने की भावना हुआ करती थी, वो बदल रही है और ये प्यार में बदल रही है, प्यार आ रहा है इनके मन में आपके लिए, है ना। अपनी गलतियों का देखे टावर को कितना याद कर रहे हैं ये, है ना। तो बदलाव आया है, तभी बॉटम में हमें नाइट ऑफ कप्स यानी कि प्यार ही लेकर जाना है इस रिलेशनशिप में। अब जो है बीती बातों में नहीं पड़ना है, अब बीती जो गलतियां हुई है उनके बारे में नहीं सोचना है, नहीं दोहराना है, प्यार ही लेकर एक्शन आने के बारे में कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, जो बदल रहे हैं, समझ गए। और कुछ लोगों को यहाँ पर वक्त लगेगा, डेफिनेटली वक्त लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ सोच में सीमित है। और कुछ लोगों को आज के रीडिंग में एक्शन भी मिलेगा, जो है नाइट ऑफ कप्स का एक्शन, जो बरोबर दिखा रहा है कि प्यार ही ऑफर लेकर आपके पर्सन आपकी दुनिया में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी सोच गाइस। मुझे आज अच्छा लगा जब डेथ को और डेविल को मैंने साथ देखा है ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ लोगों का तो साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये उन लोगों का हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, अगर आप लोग ना अपने पर्सन को सुधारने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को यू नो कार्मिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ये रीडिंग आप लोगों की हो सकती है गाइस, कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है ना, ऐसा लगता है मुझे। देखते हैं आपके डेविल ने क्या क्या मैसेज भेजे हैं आपको, अच्छा बुरा क्या है।
आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू, तो ये कह रहे कि ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आज का हमारा जो रीडिंग का टाइटल है कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना। और इन्होंने कह भी दिया कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको सोच रहे हैं। समझ गए, आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू। माई पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड आवर लव, तो शायद ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता परिवार की वजह से टूटा है, माता पिता की वजह से टूटा है, चाहे आपके चाहे उनके माता पिता। तो ये कह रहे कि हमारे फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, है ना। तो ये एक चेहरा उदास भी है। डू यू स्टिल लव मी द वे यू लव मी बिफोर, तो ये सवाल तो जायज भी है क्योंकि इतने कर्म कांड जो किए हैं, आपको इतना दर्द पहुँचाया है, तो इंसान को ना थोड़ा डाउट तो होगा ही कि क्या ये इंसान मुझसे पहले जैसा प्यार करेगा अगर मैं वापस आ गया तो, है ना। तो यही एक सवाल इन्होंने भेजा है। हाँ, क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे। तो एक सवाल है, डर है कहीं ना कहीं। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, यही है वो सवाल। समझ गए गाइस। यू आर प्योर सोल, ये कह रहे कि आपका जो मन है, आपका जो अंतर मन है, आपकी जो आत्मा है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्योर है, शुद्ध है ना। तो आपके मन से आप जो है आपके शरीर से निकल कर, है ना, पहले तो सिर्फ शरीर शरीर का ही इनको अट्रैक्शन होता होगा, है ना, कार्मिक में। आप जो है आपके आत्मा को सुंदर बोल रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ असर तो डेथ का हो रहा है। अरे भाई क्या है ये। अच्छा, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू फाइट विद द सोसाइटी, तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज जो है, जो समाज के वजह से अगर आप लोग दूर हुए हो, है ना, कार्मिक में तो ऐसे ही बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है जो जिनका रिश्ता समाज ने, सोसाइटी ने, परिवार ने जो है ठुकरा दिया, है ना। तो ये कह रहे कि मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं समाज से लड़ सकूं। पर एक कार्ड के बारे में मैं यहाँ पर अब बताना भूल गई थी, या कहूँ मैंने नज़रअंदाज कर दिया। इस मैसेज को देखने के बाद याद आया, जब इन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि इस इंसान में ना आपको अपनाने की हिम्मत नहीं थी, है ना, समाज परिवार के खिलाफ नहीं जा पाए। तो इन्होंने कह दिया कि मुझ में हिम्मत नहीं है समाज से लड़ सको, और बिल्कुल तभी जाकर इस कार्ड के ऊपर ध्यान गया मेरा कि यहाँ पर तो ये अब हिम्मत भी कर रहे हैं गाइस, हिम्मत भी इनको मिल रही है, यानी कि जिनसे डरते थे उनके खिलाफ आपके पोर्शन जाएंगे और आपकी दुनिया में वापस आएंगे, बदल कर आएंगे, यानी कि एंजल इनका हेल्प करेंगे। ये भी मेजर अरकाना से कार्ड आता है जो दिखाता है कि ये अब इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बहुत बेहतरीन एक्शन लेंगे और डरेंगे नहीं किसी से, ठीक है। इस मैसेज को देखकर इस कार्ड का याद आया मुझे। लेट्स क्लियर आवर डाउट, तो ये कह रहे हैं कि जो भी शक सुबह आप दोनों में हुई थी, है ना, जितना भी शक के वजह से रिलेशनशिप टूटा, चीटिंग के वजह से टूटा, जो भी हुआ, आप इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे, ये आप पर इल्ज़ाम लगाते रहे, तो ये कह रहे हैं कि चलो मिलकर अपने सब जो डाउट है, शक है जो हम दोनों के रिलेशनशिप में, उसे क्लियर करते हैं। तो ये क्लियर करने के लिए भी आएंगे आपके पास, बदल कर आएंगे, सब कुछ बताएंगे, ओके। और आपको भी थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना है क्योंकि आपके पोषण भी यहाँ पर कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी साथ देना है। और साथ कैसे देना है, साथ कैसे देना है गाइस, 24 घंटे फ़ोन में नंबर डायल करके साथ नहीं देना है, मैनिफेस्ट करना है, ऊपर वाले को थोड़ा सा झुकाना है, है ना, कि वो आपको आपका प्यार जो है दिला दे, है ना। यूनिवर्स से मांगो, आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हो आपको मिल जाता है, बस ये होना है कि सच्चा दिल होना चाहिए, है ना। मन में बहुत सारी ये गलतफहमियाँ पाल कर इनको कोसते हुए, है ना, अगर करोगे तो कभी भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। दिल माफ़ कर देना है, पहले सबसे पहले माफ़ कर देना है, लेट गो कर देना है, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन करनी है और फिर से लेट गो कर देना है, समझ गए। छोड़ देना है कि जो होगा अब अच्छा होगा। तो यही थी गाइस आपके पर्सन की बहुत ही खूबसूरत थिंकिंग, सोच। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना गाइस, अगर मन हुआ तो, है ना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।